बांग्लादेश में अस्थिरता के बीच और देश में स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले त्रिपुरा से 26 बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार किए गए। अगरतला रेलवे स्टेशन से 16 बांग्लादेशी नागरिकों की गिरफ्तारी के बाद बीएसएफ के एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और खुफिया विभाग ने दूसरा अभियान चलाकर पश्चिम त्रिपुरा जिले के अमताली और डुकले से एक बच्चे के साथ 4 बांग्लादेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया। वहीं बीएसएफ ने दूसरी एजेंसियों के साथ मिलकर 6 और बांग्लादेशी नागरिकों को अरेस्ट किया, साथ ही एक दलाल को भी गिरफ्तार किया गया है। त्रिपुरा से लगभग रोज बांग्लादेशी नागरिकों की गिरफ्तारी हो रही है। सवाल उठ रहे हैं कि पड़ोसी देश में हिंसा के बाद इन लोगों का त्रिपुरा में घुसपैठ हुआ है या फिर उससे पहले ये त्रिपुरा आए थे। सवाल यह भी है कि सीमा में कड़ी सुरक्षा के बावजूद इतनी बड़ी तादाद में बांग्लादेशियों की त्रिपुरा में घुसपैठ आखिर कैसे हो रही है। कल हम लोगों ने हमारा जो जीआरपी आरपीएफ और बीएसएफ और भी जो सिस्टर एजेंसी हमारा, हम लोग सब मिलके अगरतला रेल स्टेशन में टोटल 16 बीडी नेशनल को पकड़ा है। तो इसमें से 3 फीमेल है और बाकी जो है मेल है। तो इसमें से 3 टाउट भी है, बीडी टाउट जो बीडी नेशनल है। तो वो लोग एक्चुअली इंडिया में पहले भी रह चुका है, तो वही बॉर्डर क्रॉस करके उन लोगों का जो डेस्टिनेशन है रेल के द्वारा वो जाने वाले थे। तो इसी सिलसिले में हम लोग कल हमारा अगरतला जीआरपीएस में एक केस दर्ज किया उन लोगों के खिलाफ। तो आज हम लोग उन लोगों को लारनेट कोर्ट में पेश कर रहे हैं और इसमें जो जो और भी अगर शामिल होता है इसमें, तो हम लोग उसको उन लोगों के खिलाफ भी लॉफुल एक्शन लेंगे। अभी तो मतलब एक्यूरेट तो ये काउंट नहीं किया, तो लगभग 150 के आसपास होगा जो बीडी नेशनल इस साल में अभी तक पकड़ा है हम लोगों ने। और जो बात आपने बोला कि हाँ ये भी हो सकता है बांग्लादेश के जो सिचुएशन में, वो भी ऐसा भी हो सकता है, तो हम लोग वो भी मतलब देख रहे हैं कि इसमें असल में क्या मसला है और कौन कौन इसमें जुड़ा हुआ है, तो ये हम लोग देख रहे हैं। इस खबर पर हमारे सहयोगी पिनाकी दास हमसे जुड़ रहे हैं। पिनाकी, घुसपैठ की यह समस्या तो अब नासूर ही बनती जा रही है। एक बार फिर घुसपैठ हुआ है, कल स्वतंत्रता दिवस है और उससे पहले एक बार फिर घुसपैठ। हम ये जानना चाहते हैं कि बॉर्डर पर सिक्योरिटी फोर्सेस के इंतजाम कैसे हैं, क्योंकि बांग्लादेश में भी अस्थिरता इस वक्त बनी हुई है। इसमें देखिए, ये डबल सिक्योरिटी का क्लेम किया जा रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में बांग्लादेश से आने का चांस था। इसको लेके बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को होम मिनिस्ट्री से भी अलर्ट किया गया, एडिशनल फोर्स वो लोग और नाका उन्होंने लगाया। इसके बाद भी ये सब घटना के घुसपैठी का हो रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं चूट तो है। तो यही सिक्योरिटी फोर्सेस को सिर्फ बॉर्डर से नहीं, वो बॉर्डर से क्रॉस करके रास्ते से होके ये रेल स्टेशन तक पहुँच करते हैं, तो इसका मतलब रास्ते में भी कहीं ना कहीं ये लोग किसी तरह से मैनेज कर रहे हैं। तो ये सब सिर्फ बीएसएफ नहीं, बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है इंक्लूडिंग पुलिस और जो खुफिया एजेंसीज है, सबका ही एक तरह से ये लैप्स कह सकते हैं। हालांकि इनका क्लेम है और इसी यही क्लेम है कि एडिशनल विजिल है, और ये तो बांग्लादेश में सिचुएशन खराब है और जनरली हम देखते हैं कि 15th अगस्त या कोई भी नेशनल डे सेलिब्रेशन की टाइम में ज़्यादा सिक्योरिटी होता है और इंडिपेंडेंस डे को लेके अभी एडिशनल चेकअप्स और वो नाका भी लगा हुआ है। इसके बाद भी ये लोग कैसे पहुँचे वो सवाल आता है। और साथ ही साथ बीएसएफ ने भी इस जो घटना घटी इसमें अरेस्ट में बीएसएफ का भी हाथ है, तो बीएसएफ को क्रेडिट भी मिलता है, पर दूसरी तरह से बीएसएफ के अगेंस्ट में ये सवाल होता है कि बॉर्डर में कहाँ लैप्स है, वो क्यों नहीं बंद कर पा रहे हैं। ये बड़ा सवाल है जो चिंता का विषय है, क्योंकि रेगुलरली हम देख रहे हैं कि त्रिपुरा यानी कि अगरतला में बहुत जगह पे अरेस्ट हो रहा है, मेनली रेल स्टेशन में अरेस्ट हो रहा है, साथ ही साथ धर्मनगर कैलाश शहर जो बॉर्डरिंग एरियाज है वहां पे भी काफी अरेस्ट दिखाई दे रहा है। आईएसबीटी में भी अरेस्ट होता है, एयरपोर्ट पे हमने देखे काफी अरेस्ट होते हैं। तो बीएसएफ को इसको लेकर चिंता करना पड़ेगा। हालांकि वो लोग ये क्लेम करते हैं कि वो दोनों तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं और एनआईए के थ्रू भी यहाँ पे रेड हुआ है, पे मेनली जो मिडल मैन या ट्राउट है उनके ऊपर मेनली वो ऑपरेशंस थे, और थ्रू आउट इंडिया से अरेस्ट हुआ, इंक्लूडिंग त्रिपुरा से 21 अरेस्ट हुआ था।
बिल्कुल, कहीं ना कहीं पिनाकी, जो ज़्यादा अपराध हम अगर माने तो फिर जो घुसपैठिए हैं उनसे ज़्यादा अपराध उन दलालों का है जो उनकी मदद करते हैं घुसपैठ में। ऐसे में उन पर आप बता रहे हैं रेड की जा रही है, लेकिन आपसे जानना मैं ये चाहती हूँ कि तगड़ा एक्शन किस तरह का लिया जा रहा है, चूँकि दोनों तरफ से कोऑर्डिनेशन किस तरह से हो रहा है। देखिए, एक तो रिसेंट भी हमने देखे बीएसएफ और बीजेपी के बीच में जो टॉक्स हुआ उसमें वो लोग दोनों ने यही वही डिसाइड किया कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक चिंता का विषय है दोनों तरफ के लिए, और दूसरा है ड्रग्स, और दोनों को लेके ही दोनों के बीच में मेनली जो डिस्कशन हुआ और ये कहा गया कि दोनों के तरफ से यही माना कि ज्वाइंट जो कॉन्वर्सेशन और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज जो रियल टाइम एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एट ग्रास रूट लेवल, यही मेन उनका फोकस था। इसीलिए सिर्फ आईजी या डीजी लेवल पे बीएसएफ और बीजेपी बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच में नहीं टॉक्स हुआ, हालांकि डाउन टू इवन जो कमांडेंट होते हैं जो बैटालियन में एकदम ग्रास रूट में असिस्टेंट कमांडेंट है उनके बीच में भी डिस्कशन हुआ और दोनों तरफ के ही प्रेजेंटेशन थे, ताकि मेन फोकस वही है कि रियल टाइम एक्सचेंज हो और जो खुफिया खबर मिले दोनों मिलके एक साथ करेंगे तभी जाके ये सक्सेस होगा। और साथ ही साथ एनआईए के जो बात कर रहा था, एनआईए ने भी ये इस इशू को सीरियसली लिए हैं और एनआईए के तरफ से त्रिपुरा के साथ साथ सारे इंडिया में दिल्ली हैदराबाद चेन्नई बड़े बड़े शहरों में एक साथ रेड हुआ है, वेस्ट बंगाल में रेड हुआ है और एक ही साथ 45 से ऊपर जो लिंक मैन है जो इनको फैसिलिटेट करते हैं ट्रैवल करने का कहाँ जाके काम मिलेगा ये सब में उन लोगों को अरेस्ट किया गया। उसके बाद कम तो हुआ है पर अभी तक जीरो नहीं हुआ है और बीएसएफ और बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस का यही कहना है कि उनका यही टारगेट रहेगा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो दो देश में हो रहा है उसको जीरो कैसे किया जाए और उसके लिए जो इन्फिल्ट्रेटर्स के साथ साथ जो टाउट्स है उनके ऊपर इनका उनका मेन फोकस रहेगा उनको अरेस्ट करना। बिल्कुल, जीरो कैसे किया जाए इसकी चिंता जरूर है, लेकिन पिनाकी ये जीरो तभी होगा जब किसी तरह का एक लॉन्ग टर्म प्लान बनेगा, और ऐसे में सरकार की, केंद्र की बात करूं या राज्य की, सरकार की भूमिका किस तरह की रहने वाली है? देखिए, सरकार जो है, हमने मुख्यमंत्री से भी ये सवाल उठाए थे तो उनका यही कहना है कि कोशिश तो वही है पूरा बंद करे, पर इसके साथ साथ उन्होंने ये भी दिखाया कि ये ग्लोबल एक फेनोमेनन है जहाँ पे इनकम पैरिटी नहीं है दो देश के बीच में, जहाँ भी इनकम डिफरेंसेस होगा सोशल सिक्योरिटी अलग होगा तो लोग, ये नॉर्मल है, माइग्रेशन रहेगा जहाँ पे कम है वहाँ से बेटर इकोनॉमी की तरफ। तो और उन्होंने इवन अमेरिका का उदाहरण दिए थे जहाँ पे वहाँ पे भी इन्फिल्ट्रेशन का जो प्रॉब्लम है इतना वहाँ पे सिक्योरिटी इतना टाइट होने के बावजूद, तो यही कोशिश है कि सिक्योरिटी फोर्सेस किसी तरह से ये बंद करें। पर रश्मि, ये भी कहना पड़ेगा जो फेंसिंग तो हमारा है 96% जो बॉर्डर है त्रिपुरा का 856 किलोमीटर टोटल बॉर्डर है उसमें 96% फेंसिंग तो है, पर बहुत ये फेंसिंग काफ़ी पुराना हो चुका है और हमारे जो रेनी सीजन वेदर है वीड्स इतने पौधे आते हैं उस फेंसिंग में तो उसमें रास्ट आ गए बहुत जगह पर टूट भी गया, तो ये सब पॉकेट्स को भी फिर से ठीक करने का कोशिश चल रहा है और होम मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री दोनों के पास ये कंप्लेन गया है तो इसको लेके तो और बहुत जल्दी ये भी ठीक होगा तभी जाके बंद कर पाए। सिर्फ मैनिंग से नहीं होता है तो फेंसिंग भी होना, क्योंकि मैन पावर अगर आप देखें तो एक डिस्टेंस में दो बीएसएफ नाका होता है और विजिबिलिटी इस रीजन में बहुत कम होता है, हिली टेरेन है और बहुत पौधे हो जाते हैं पर्टिकुलरली रेनी सीजन में, तो इसमें मैनिंग ह्यूमन मैनिंग बहुत टफ हो जाता है। हालांकि वो लोग कुछ नाइट विजन लाइटिंग ये सब का भी बंदोबस्त किए हैं पर इन्फिल्ट्रेशन हो भी रहा है ये भी सही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपिना की इन तमाम जानकारियों के लिए। तो घुसपैठ की जो समस्या है वो बढ़ती ही जा रही है, इस पर रोक लगाना कहीं भी संभव नज़र नहीं आ रहा। एक बार फिर बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार किए गए हैं, कल स्वतंत्रता दिवस है और उससे ठीक पहले एक बार फिर घुसपैठ की ये कोशिश है और ऐसे में काफ़ी चिंताजनक के बाद है, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भी एक बड़ा सवाल यहाँ बनता है।